बहुत ही शानदार बजट है, और इसलिए शानदार है क्योंकि ये केवल ना आपको प्री कोविड से रिकवरी स्टेज पर उतना एक्सेलरेट कर देगा, पर कि अगले 3-4 साल का डायरेक्शन एक पूरा दे देता है। और वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियरली इस बार फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन पर, क्योंकि जहाँ जहाँ एसेट बन चुके हैं वो प्राइवेट सेक्टर का आना ज़रूरी है। और तीसरा एक क्लियरली बताया कि देखिए बैंक्स में कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और आगे चल के एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में। सो ये सब दिखाता है गवर्नमेंट की थिंकिंग, पॉलिटिकल थिंकिंग भी, कि भाई गवर्नमेंट को आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बहुत फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आपका एजुकेशन पर फोकस है, आपका हेल्थ पर बहुत फोकस रहा है, न्यूट्रिशन पर बहुत फोकस आया, और ये आगे चल के सस्टेन्ड ग्रोथ देगा आपकी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म पे। और तीसरा टैक्सेशन साइड पर जो गवर्नमेंट ने किया कि बहुत ज़्यादा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है या फिर आपका रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पर जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटाया, तो उससे एमएसएमईज को जो सामान है वो चीप प्राइसेस पे मिलेगा। बजट बहुत ही प्रैक्टिकल बजट है, बहुत ही रैशनल बजट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि टैक्स को टैम्पर नहीं किया गया है, कोई नए सेसेस नहीं लगाए गए हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है।